बिसम अल्लाम आज हम बनाने जा रहे हैं किंग्स कुल्फ़ा ये बहुत दिनों से मैंने सोचा हुआ था कि ये मैं आपको बताऊंगा बहुत आसान रेसिपी है इसके अंदर बस आपको थोड़ी सी कुकिंग करनी होती है दूध को पकाना होता है मेवा वग़ैरह डाल के कुछ इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो डाल के इसको हम पकाते हैं और फिर क्रीम को बहुत अच्छी सी बीट करके और फिर इसमें मिक्स कर देते हैं और फिर आप इसको कम से कम ओवरनाइट अगर आप इसको फ्रीज़ करेंगे तो बहुत अच्छा इसका रिजल्ट होता है तो ये हमारी आज की रेसिपी है इसको आखिर तक देखिएगा बहुत मज़ेदार होती है कराची में खैर ये बड़ी मशहूर है लोग बहुत शौक से खाते हैं कुल्फ़ा आइसक्रीम तो चलें अपनी जो है रेसिपी स्टार्ट करते हैं अच्छा कुल्फ़ा आइसक्रीम बनाने के लिए सबसे पहले जो हम काम करेंगे वो ये करेंगे कि इसका बेस रेडी करेंगे जो हम उसमें क्रीम में से मिक्स करेंगे तो मैंने क्या किया है सवा लीटर का एक पैकेट होता है मैं आपको हमेशा ये दिखाता हूँ तो ये सवा लीटर मिल्क मैंने लेके इसको आप किसी भी पैन में आपके पास जो भी है नॉन स्टिक है या नॉन स्टिक वाला अगर नहीं भी है तो भी चलेगा इसमें हम दूध को पकाएंगे अच्छा दूध में देखिए उबाल आ गया आपने क्या करना है थोड़ी थोड़ी देर में इसको तो चलाना है और ये बलाई जो है ये जो साइडों में इस तरह से जमती है इसको साइडों से निकाल के दोबारा दूध में मिक्स करते जाएंगे इसको हमने गाढ़ा करना है दूध को अभी मैं थोड़ी देर में से कुछ चीज़ें और मिलाऊंगा अभी तो खैर दूध बहुत पतला है और ये थोड़ा सा पकेगा अच्छा ये मैं आपको तकरीबन सवा लीटर दूध है उसका हिसाब बता रहा हूँ सारा तो आप अपने हिसाब से फिर उसको ऊपर नीचे कर लीजिएगा अच्छा दूध पकते हुए तकरीबन बीस मिनट हो गए थोड़ा सा गाढ़ापन इसमें आ गया है हम इसको मुस्तकिल चलाते जा रहे हैं और इसकी जो बलाई है वो वापस इसमें मिक्स करते जा रहे हैं अब इस वक्त मैं इसके अंदर डालूंगा चीनी तो चीनी जो है मैं हमेशा आपको कहता हूँ कि अपने टेस्ट के हिसाब से डालिए जितना आपको मीठा पसंद है उस उतना डालिए मैं इसके अंदर क्योंकि यहाँ की चीनी में मिठास मैं हमेशा आप लोगों को बताता हूँ कि थोड़ी कम होती है तो इसलिए यहाँ पे हमें चीनी थोड़ी सी ज़्यादा डालनी पड़ती है तो मैंने इसके अंदर अभी डाली है तकरीबन हाफ कप एक सवा लीटर दूध है ये और मैंने उसमें हाफ कप चीनी डाली है अच्छा जैसे ही मैं इसमें चीनी डालूंगा ये देखेंगे दोबारा से दूध जो है वो पतला हो जाएगा लेकिन फिर ये पक जैसे जैसे पकेगा तो दोबारा ये गाढ़ा हो जाएगा अब मैं इसमें डालूंगा तकरीबन हाफ टी स्पून किसी भी छोटी इलायची या हरी इलायची जिसको कहते हैं अब मैं इसमें डालूंगा तकरीबन दो टेबल स्पून जो है वो पिस्ते क्योंकि तो ये सब भी हमें इसको जो है वो इसके अंदर हम पकाएंगे ताकि इन चीजों का फ्लेवर आए इसमें और तकरीबन दो टेबल स्पून हम इसमें डालेंगे बादाम ताकि जो है ये थोड़े से इसे पक जाए थोड़े से नरम हो जाए क्योंकि वैसे भी जब ये फ्रीज होंगे तो ये दोबारा से सख्त हो जाएंगे अब मैं इसमें डालूंगा तकरीबन एक टेबल स्पून भर केवड़ा के क्योंकि जो कुल्फा होती है उसमें केवड़ा लाजमी होता है अच्छा अब हम इसमें डालेंगे हाफ कप पाउडर मिल्क ये ऑप्शनल है अगर आपके पास है इजीली अवेलेबल है आप डाल दीजिए नहीं है कोई बात नहीं इससे क्या होगा एक बलाई बलाई सा फ्लेवर और एक खोए खोए सा टेक्सचर भी आएगा पाउडर का दूध डालने से और ये ऑप्शनल है अगर आपके पास है आप डाल दीजिए नहीं है कोई बात नहीं आप उसके बगैर भी बना सकते हैं आप दूध को थोड़ा सा ज़्यादा पका दें ज़्यादा गाढ़ा कर दें तो भी वो बैलेंस कर देगा उसको तो बस आप इसको छोड़ देंगे इसी तरह पकने के लिए और जिस वक्त मुझे लगेगा कि अब इसको इतना ही पकाना है इससे ज़्यादा नहीं तो फिर मैं आपको बताऊँगा ये मैं आपको दिखा देता हूँ ये देखें यह किस तरह से अब मैंने चूल्हा इसका बिल्कुल फुल कर दिया है बीच में मैंने कम कर दिया था क्योंकि बस इसको अब ज़्यादा नहीं पकाना है आप इसका कलर देखें कलर चेंज होना शुरू हो गया है बस अब ये इतना ही हमें इसको गाढ़ा रखना था ये देखें ये इतना गाढ़ा हो गया क्योंकि ये ठंडा होकर मज़ीद होगा तो अब मैं इसका चूल्हा बंद कर दूंगा इसको हम चूल्हे पे से हटा देंगे इसको ठंड बिल्कुल ठंडा करेंगे बिल्कुल चिल होना चाहिए ये और फिर क्रीम को हम जो है वो बीट कर लेंगे और बीट करने के बाद फिर मैं उसके अंदर ये मिक्स करूँगा और आपको उस वक्त दिखाऊँगा ये बिल्कुल ठंडा हो चुका है अब ये जो कुल्फ़ा है ये मैं इसके अंदर मिला दूँगा ये हम डालेंगे और फिर क्रीम को क्रीम के साथ इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे मैं अच्छे से मिक्स कर दूंगा अब मैं इसके अंदर जो थोड़े से ये मैंने बचा के रखे पिस्ता और बादाम ये थोड़े से मैं इसके अंदर और मिक्स करूंगा बाकी मैं उसको रोक लूंगा पिस्ता बादाम को जब हम इसको स्कूप आउट करेंगे तो उसमें गार्निश के तौर पे डालेंगे तो ये हमने क्या करना है क्रीम में ये देखें इसको क्रीम को बहुत आपने फ्लफी करना है बिल्कुल फ्लफी कर लीजिएगा और फिर इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे जो हमने कुल्फा बनाया है और अब मैं उसको क्लिन रैप लगा के और ओवरनाइट के लिए फ्रीजर में रख दूंगा ताकि ये अच्छे से जम जाए अच्छा एक चीज और है अगर आप इसको देखें कि ये सही से जमी नहीं है मतलब अगर आपको थोड़ा सा क्रिस्टल लगे तो आप इसको एक दफा और इसमें बीटर चला सकते हैं ताकि जो है वो दोबारा से वो जम जाए मतलब एक फ्लफी सी हो जाए थोड़ा सा पिस्ता और बादाम मैं ऊपर से और डाल दूंगा ताकि जब मैं इसको निकालूँ इसको ऊप आउट करूँ तो फिर मैं आप लोग को दिखाऊँ तो ये मैं थोड़ा सा इसमें अभी और इस तरह से बादाम पिस्ता डाल दूँगा अब मैं उसको रैप करूँगा और फ्रीज़र में रख दूँगा ओवर के लिए अच्छा एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ वो ये है कि जब आप इसको क्रीम मैंने आपको जैसा कि बताया कि ये बड़ा आसान देखिए इसमें आपने इस तरह से क्लिंग रैप ज़रूर लगाना है ताकि इसके अंदर अगर कोई एयर है तो वो सारी उसकी वजह से ये इसमें क्रिस्टल्स नहीं बनेंगे ये प्लास्टिक इसको रोक देगा ये हम अच्छे से क्लिंग रैप इस तरह से करके और इसी में ही मैं इसको अंदर कर दूँगा मैं आपको ये कह रहा था कि आपने इस चीज़ का बहुत ख्याल रखना है कि जब आप इसको बीट करें तो बहुत अच्छे से बीट करें क्रीम को खाली बीस कर लें अब हम इसको जो है वो ढक्कन लगा के और फ्रीज़र में रख देंगे आ, ओवरनाइट के लिए और फिर जब ये फ्रीज़ होगी तो फिर मैं आपको दिखाऊंगा अच्छा तो ये मैंने जो है वो कुल्फ़ा कल बना के ओवर के लिए फ्रीज़र में रखा था तो मैं इसका रिज़ल्ट आपको दिखा देता हूँ ये फ्रीज़ हो चुकी है इसको आप जितना ज़्यादा रखें उतना अच्छा है ये देखें इसका ये कितनी ज़बरदस्त जमी है तो अब हम इसको स्कूप आउट करते हैं और फिर आपको दिखाते हैं और जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये बड़ी आसान आइसक्रीम बनती है बस थोड़ा सा आपको ये करना है कि क्रीम को आप जितना अच्छा बीट करेंगे आपकी आइसक्रीम उतनी अच्छी बनेगी तो फ्रीज़र में पहले रख दीजिए क्रीम को थोड़ी देर के लिए उसके बाद उसको अच्छे से बीट कर लीजिए और और फिर उसको जो है वो आप जो मैंने आपको बताया था कि दूध में पका के मेवा और ये सारी चीज़ें और उसके अंदर मिक्स करते हैं तो बहुत मज़ेदार ये वाली आइसक्रीम तैयार हो जाती है तो ये मैं आपको दिखाता हूँ इसके अंदर हम हम ऊपर से थोड़ा सा और मेवा डालेंगे थोड़ा सा आप मेवा और डाल दीजिए ताकि जो है वो ये ख़ूबसूरत लगे देखने में तो ये किंग्स कुल्फ़ा है किंग्स कुल्फ़ा जो है बहुत कराची में तो खैर ये बहुत ज़्यादा मशहूर है और लोग इसको बहुत शौक़ से खाते हैं तो ये बड़ी आसान रेसिपी है आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी तो इन बहुत जल्द एक नई रेसिपी लेके दोबारा हाज़िर होंगे अपना अपने इत के लोगों का बच्चों का बुज़ुर्गों का बहुत ख्याल रखिए जब तक के लिए अल्लाह हाफिज